बदल जाती है, रिवर्स हो जाती है, क्योंकि उसके बाद जब ईवीएम खुलेगा उसके बाद ये तेज़ी से जो है चीज़ें बदलेंगी, तेज़ी से जो है यहाँ पर टैली जो है वो बहुत चेंज होती है। लेकिन टेक्नोलॉजी है अरविंद मोहन जी, और टेक्नोलॉजी जो है बेहतरी के लिए भी होती है, और यहाँ पर चीज़ें क्योंकि अभी बैलेट पेपर है, इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। अभी वही मैं कह रहा हूँ कि बहुत तेज ट्रेंड है, इतना ट्रेंड मैंने 300 का 15 मिनट में 20 मिनट में नहीं देखा था। और दूसरा ये है कि इससे भी अभी लग रहा है कि 400 का फिगर जिस पे चुनाव शुरू हुआ है अभी 400 से बीजेपी दूर है। खैर अभी तो बैलेट ही, अभी तो ईवीएम खुला भी नहीं है। नहीं सचिन ऐसा नहीं, शुरू हो जाता है। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, बैलेट पेपर की गिनती चल रही है, काउंटिंग चल रही है, और जो रुझान है वो हम आपको बता रहे हैं। गाजीपुर से अफजाल अंसारी के आगे चलने की खबर आ रही है। अफजाल अंसारी हालांकि पहले से ही बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस वो दिखा रहे थे और जीत को लेकर आश्वस्त भी है। वहीं फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर आगे चल रहे हैं, हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। भटिंडा से हरसिमरत कौर आगे चल रही हैं, हरसिमरत कौर भी पूरा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही थी। और अमित शाह गांधीनगर से आगे चल रहे हैं, अमित शाह को लेकर इसी बात पर निगाहें रहेंगी कि मार्जिन कितना होगा जीत का, क्योंकि गुजरात से क्लीन स्वीप का दावा किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, एनडीए की ओर से, और देखना दिलचस्प होगा कि कितने जीत के करीब हो पाते हैं। और घोसी से भी जानकारी मिल रही है, सपा उम्मीदवार के आगे चलने की खबर है। फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर आगे चल रहे हैं। तो तमाम जो रुझान है, बैलेट पेपर की काउंटिंग चल रही है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अमित शाह गांधीनगर से आगे चल रहे हैं। सचिन ठीक आलोक सर, मतलब ठीक, हालांकि आधे घंटे का प्रोसेस होता है ईवीएम, थोड़ा सा उसके जो ईवीएम का जो रुझान होता है वो थोड़ी बाद में आता है, पोस्ट बैलेट पहले आता है, तभी ये जो चीज़ें हमने देखा है कि टैली में फिर उसके बाद परिवर्तन आता है और ये चीज़ें भी चेंज होगी। अरविंद सर जैसे कह रहे थे कि वो ये जो है बहुत तेज़ी से आती हुई जो चीज़ें हैं, इस पर आपका रिएक्शन? देखिए मेरा ये कहना है कि देखिए ये इतनी टेक्नोलॉजी जो हमारे यहाँ कंप्यूटर क्रांति हुई, दुनिया के देशों के मुकाबले में भारत जितना है, उसी लिए तो डिजिटल पर हम बहुत आगे जा रहे हैं। माने एलन मस्क भी भारत आके नमस्कार कर रहा है और जितने लोग हैं। देखिए लगातार बड़ा अपडेट मिल रहा है। एक और बड़ी खबर, घोसी से सपा उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सबसे बड़ा फैसले का दिन है आज, सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। पाटलिपुत्र से मीसा भारती आगे चल रही हैं और पूर्णिया से पप्पू यादव आगे चल रहे हैं, पप्पू यादव जो कि काफी अग्रेशन में हैं, और नॉर्थ मुंबई से पीयूष गोयल आगे चल रहे हैं। हर अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। मीसा भारती को लेकर खबर आ रही है, इससे पहले कहा जा रहा था कि लालू प्रसाद यादव की दोनों बेटियां पीछे चल रही थी, लेकिन मीसा भारती को लेकर खबर की वो फिलहाल आगे हो गई हैं। बैलेट पेपर की काउंटिंग चल रही है और रुझान जो आ रहे हैं वो सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सचिन ओवर टू। तो लगातार ये टैली जो है वो चेंज हो रही है, लगातार इस वक्त हम देख रहे हैं कि एनडीए 224, इंडे 120, अदर्स 13, पोस्ट बैलेट, उसके बाद ईवीएम शुरू और ईवीएम के भी रुझान आने शुरू हो गए। टेक्नोलॉजी की बात आलोक सर कर रहे थे, जाहिर सी बात है एलन मस्क के लेकर के और तमाम जितने टेक्नोलॉजिकल जॉइंट से लेकर के तमाम चीज़ें सबको इंडिया ही चाहिए। आलोक सर सुपर कंप्यूटर, हाँ एक समय में जब मांगने जाता था 85 में राजीव गांधी के साथ गए तो अंगूठा दिखा दिया गया सुपर कंप्यूटर। अब यह है कि 40% अमेरिका में हमारे लोग काम कर रहे हैं जिसके बल पर वहाँ पर काम कर रहा है मोबाइल।